दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ CSOM के बारे में, यानी कि अगर हम CSOM का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो लंबे समय में हमें CSOM से क्या परेशानियां या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि CSOM दो टाइप का होता है, एक सेफ और एक अनसेफ। सेफ CSOM में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं टाइम के साथ साथ, सिवाय दो मेन कॉम्प्लिकेशंस। एक कि टाइम के साथ साथ पेशेंट की जो सुनने की क्षमता है वो कम होती रहती है, यानी कि पेशेंट का हियरिंग लॉस बढ़ता रहता है। एंड दो कि टाइम के साथ साथ कभी कभी सेफ CSOM अनसेफ CSOM में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा रेयर होता है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो सेफ CSOM में ये दो मेन परेशानियाँ हो सकती हैं, जबकि अनसेफ CSOM में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसे अनसेफ CSOM बोला जाता है। क्योंकि इस बीमारी में जो कान में बीमारी होती है वो कान के अंदर की हड्डियों को गलाती रहती है और कान के पीछे की तरफ, अंदर की तरफ या ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, और कान के आसपास कई सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब बीमारी वहाँ तक पहुँचती है तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो अगर ये बीमारी कान के पीछे की हड्डियों में पहुँचती है, जिसे हम मैस्टॉइड बोन कहते हैं, तो मैस्टॉइड अब्सेस बन सकता है, यानी कि कान के पीछे की हड्डी में पस भर जाता है या फिर फोड़ा बन जाता है। मैस्टॉइड अब्सेस में कान के पीछे स्वेलिंग आ जाती है, जस्ट कान के पीछे इस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है और कान में पेन होता है। इसके अलावा अगर बीमारी कान के अंदर की तरफ चेहरे की जो नस जो कि कान से होके आती है वहाँ तक पहुँच जाती है तो फेशियल पैरालिसिस या चेहरे का लकवा या मुंह की फालिज भी लग सकती है। इसके अलावा अगर बीमारी कान के अंदरूनी हिस्से में वेस्टिब्यूल तक पहुंच जाती है, वेस्टिब्यूल जो बॉडी बैलेंस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर वहां तक बीमारी पहुंचती है तो पेशेंट को चक्कर आने की, डिजीनेस या वर्टिगो की परेशानी शुरू हो सकती है। अगर बीमारी कान के पीछे की तरफ बढ़ती है तो हमारे ब्रेन में कान के पीछे के हिस्से में एक खून की नलिका होती है, नली होती है, जिसे लैटरल साइनस या सिग्मोइड साइनस बोलते हैं। तो वहाँ तक बीमारी पहुँचती है तो लैटरल या सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोफिलिपाइटिस हो सकती है। ये सीवियर प्रॉब्लम होती है, इसमें पेशेंट को तेज का बुखार आता है, सर में दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है इत्यादि। इसके अलावा अगर बीमारी ऊपर की तरफ बढ़ती है और जो हमारा ब्रेन है उसकी कवरिंग तक पहुँच जाती है, ब्रेन की जो झिल्ली होती है वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है, तो मेनिंजाइटिस हो सकती है। इसमें पेशेंट को जी मितलाता है, उल्टी आ सकती है, सर में तेज़ का दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। इसके अलावा अगर बीमारी ब्रेन की तरफ और बढ़ती है तो ब्रेन एब्सेस हो सकता है, यानी दिमाग में फोड़ा बन सकता है। जब यह बीमारी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ब्रेन तक पहुँच जाती है तो कभी कभी ब्रेन का जो फ्लूड होता है, यानी सर का पानी जिसे हम CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड बोलते हैं, तो वो कान से लीक करने लगता है, जिसे हम CSF ओटोरिया बोलते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस अनसेफ CSOM में हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अगर हम कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैस्टॉइड अब्सेस एंड फेशियल पैरालिसिस एंड वेस्टिबुलाइटिस या लेब्रिंथाइटिस, ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही टाइम लेती हैं प्रेजेंट होने में। कई बार पेशेंट में ये बीमारी सालों तक रहती है, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं। अब कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि मैं उन्हें डरा रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे पेशेंट इन सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ मैं देख चुका हूँ। अगर आपके या किसी के कान में अनसेफ CSOM है तो वो बिना सर्जरी के नहीं ठीक होता है। लंबे टाइम के बाद, यानी कुछ सालों के बाद, वो कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के पहले ही अनसेफ CSOM का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।